हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आप नो कॉन्टेक्ट जोन में क्यों हों और इससे आप बाहर कैसे निकलोगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल बनाई हुई है, पाइल 1 टाइगर, पाइल 2 लेपर्ड और पाइल 3 लायन। ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। और जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको एक पाइल दिखेगी वही आपकी पाइल रहेगी। और ये एक जनरल रीडिंग होती है गाइस, तो कुछ बातें किसी के साथ तो कुछ बातें किसी के साथ रेजोनेट होगी। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। और ये सभी जेंडर के लिए है, सभी उसे देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये लायन चूज़ किया है, सॉरी टाइगर चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आप नो कॉन्टेक्ट जोन में क्यों हों और नो कॉन्टेक्ट जोन से कैसे बाहर निकलोगे। उसके लिए हम दूसरे कार्ड निकालेंगे। ओके गाइस, तो पहले हम देख लेते हैं कि आप नो कॉन्टेक्ट जोन में क्यों हों। जस्टिस, एट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स और फोर ऑफ वांड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हर्मिट। ओके, तो आप में से आप या आपके पार्टनर की उम्र आपसे बड़े हो सकते हैं, आपसे 8 साल बड़े हो सकते हैं, 4 साल बड़े हो सकते हैं, या फिर 5 साल बड़े हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर 10 साल बड़े हो सकते हैं गाइस। ओके, और आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस, और वो है उनकी फैमिली। शायद उन्होंने आपके बारे में अपनी फैमिली को बताया है, या फिर उनके फैमिली ने उनको बता दिया है कि हमारी चॉइस से ही आपको शादी करनी है। इस वजह से उसने आपके साथ बात करना बंद कर दिया है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थॉट करते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, इस वजह से वो अपने विचारों में उलझ कर रह जाते हैं और वो आपको लेकर कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। आपको लेकर उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है और आप दोनों अभी नो कॉन्टेक्ट जोन में इस वजह से हो क्योंकि आपके पार्टनर इगोस्टिक है गाइस, अहंकारी है। वो जब आप जब भी उनके साथ बात करते होंगे तो उनकी मर्ज़ी से ही आप बात कर पाते होंगे, आपकी मर्ज़ी से नहीं। जब वो चाहते होंगे तभी आप दोनों की बातें होती होंगी, आपकी मर्ज़ी से कुछ भी बातें नहीं होती होंगी। तो क्या आप पूरी लाइफ इस तरह के इंसान के साथ रहना पसंद करोगे? और आप अब उनको प्यार करने लगे हो, आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन वो आपको लेकर अभी कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं गाइस। जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि वो अपनी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर है। उन्होंने शायद आपको भी बता दिया होगा कि मैं आपके लिए इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ, फिर भी आपको लगता है कि वो एक ना एक दिन तो उनका प्यार ओवरफ्लो होगा और वो आपके पास आएंगे। आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाते हो और आपके पार्टनर बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाते हैं, और इस वजह से अभी उन्होंने नो कॉन्टेक्ट जोन किया है, आपने नहीं, उन्होंने आपको अनब्लॉक किया है, वो आपको जवाब नहीं दे रहे।
वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहे, वो आपको मैसेज के थ्रू भी कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे, आप ही अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हो। अब हमें देखना है कि आपको क्या, आप किस तरह से नो कॉन्टेक्ट जोन से बाहर आ सकते हो, कैसे बाहर आ सकते हो। इसके लिए हम दूसरे कार्ड देखेंगे गाइस। ओके, पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ किए तो वो कैसे इस नो कॉन्टेक्ट जोन से बाहर आएंगे। डिवाइन, ये कार्ड मैं लूँगी। कंट्रोल, मैंने आपको बताया कि वही आपको कंट्रोल करती है। उनकी मर्जी जब होती है तब वो आपके साथ बात करती है, उनकी मर्जी नहीं होती है तो आप उनसे बात नहीं कर पाते होंगे। तो फिर आप अपनी फीलिंगों को किस तरह से उनके सामने रख पाते हैं। राइपनेस का कार्ड आया है, सक्सेस का कार्ड आया है। उनको आपके साथ, जब आप उनके सामने झुकते हो तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मज़ा आता है। द माइजर का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि वो तो अपने दिल की बात आपको बता ही नहीं रहे हैं, और बियॉन्ड इल्यूज़न, और आप इल्यूज़न में जी रहे हो कि वो आपके लेकर कुछ सोचेंगे। लेटिंग गो, लास्ट कार्ड जो हमारे पास आया है, लेटिंग गो। तो आपको एडवाइस मिल रही है गाइस कि आपको लेटिंग गो करना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए। ये जिस किसी ने भी पाइल चूज़ किए उनको मैं बता दूँ कि उनको लेट गो करना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए। मैं आपको मूव ऑन करने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको यही कह रही हूँ कि कुछ वक्त के लिए आपको उनके लिए एफर्ट लगाना बंद करना पड़ेगा, तभी उनको आपके प्यार की, आपकी अहमियत पता चलेगी और तभी वो आपकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। ओके, कंट्रोल का कार्ड ये बता रहा है कि वो आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा इगोस्टिक इंसान है, और वो हमेशा मैं करते रहते हैं, मतलब भी मैं जो कहूँ वही होना चाहिए, आपकी कोई भी बात वो सुनते भी नहीं है। राइपनेस और सक्सेस का कार्ड ये बता रहा है कि उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है आप सामने से एफर्ट लगाते हैं, उनको तो बहुत खुशी होती है, लेकिन आप तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो, बहुत ही ज़्यादा चिंतित, दुखी हो, पेन में हो, तकलीफ़ में हो, लेकिन आपकी तकलीफ़ उन्हें नहीं दिख रही है, और आप बहुत ही ज़्यादा इल्यूज़न में, भ्रम में जी रहे हो कि वो आपको नो कॉन्टेक्ट जोन से बाहर करेंगे और वो आपके साथ बात करेंगे, आपको आपके मैसेज करेंगे, फ़ोन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है लेटिंग गो, और यहाँ आया है हर्मिट। हर्मिट का कार्ड भी ये बता रहा है कि आपको कुकुन में जाने की ज़रूरत है, आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, उनकी और ज़्यादा अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ वक्त के लिए आपको उनसे साइड होना पड़ेगा। लेटिंग गो का कार्ड भी यही कह रहा है, और आप जो एक इल्यूजन में जी रहे हो कि वो सब कुछ करेंगे तो वो आपका सिर्फ भ्रम है और कुछ भी नहीं है। ओके, वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश है। ये सक्सेस का कार्ड और राइपनेस का कार्ड बता रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश है, उनको किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने आपको जो नो कॉन्टेक्ट जोन में डाला है उस बात को लेकर भी उनको ज़रा सी भी फिक्र नहीं है, वो बेफिक्र होकर अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ मज़ा कर रहे हैं, पार्टी सार्टी कर रहे हैं, और सिर्फ आप ही यहाँ दुखी दिखाई दे रहे हो और कुछ भी नहीं। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको नो कॉन्टेक्ट जोन से तभी आप बाहर आओगे कि जब आप लेट गो करोगे कुछ वक्त के लिए, और मुझे तो लगता है कि यहाँ जो मुझे कार्ड बता रहा है कि आपको 12 वीक, 12 वीक या 8 वीक के लिए आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए, और आपको मैसेज भी नहीं करना है, फ़ोन भी नहीं करना है, और वो आपको हाई का मैसेज करे तो आपको रिप्लाई भी नहीं करना है। ओके, इतने वक्त तक वो आपको उनके साथ कुछ भी बातें नहीं करनी है, वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। उनका ईगो बहुत ज़्यादा है और उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक है उनके जैसी ही, तो आपको उनको बहुत ही ज़्यादा
कैरिंग करना बंद करना पड़ेगा, पैम्पर करना बंद करना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से एफर्ट डालना बंद कर दो प्लीज़। और ये सब आप नहीं कर सकते हो तो मैं सिर्फ आपको बता दूं कि आपका जब भी मन करे तब आप उनको मैसेज या फ़ोन कर सकते हो। जब आपको लगे कि मुझे आज करना चाहिए तो आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। आपके दिल से इच्छा हो तब आप उनको फ़ोन या मैसेज करोगी, कोई बात नहीं। आपका एक सेटिस्फेक्शन के लिए आपको मैसेज या फ़ोन करना चाहिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो आंसर देंगे या नहीं देंगे। आपको भी पता है कि वो नहीं देंगे। अब आपको डिसीजन लेना है। मैं किसी को भी कुछ भी नहीं कहती कि आपको फ़ोन नहीं करना चाहिए, मैसेज नहीं करना चाहिए, सामने से एफर्ट नहीं करना चाहिए। जो ये कार्ड बता रहे हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। और ये एक जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ स्पेसिफिक नहीं होगा कि सभी के साथ रेजोनेट हो। ओके, तो आपका मन करे, आपका इंट्यूशन कहे कि मुझे आज उनको मैसेज या फ़ोन करना चाहिए तो आप कर सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन रोज़ रोज़ जो आप एफर्ट लगाते हो उनके लिए वो बंद करना पड़ेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये लेपर्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आप नो कॉन्टेक्ट जोन में क्यों हो। ओके, डिवाइन बताए पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो वो नो कॉन्टेक्ट जोन में क्यों है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप, एट ऑफ कप, एस ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट कार्ड हमारे पास है द हायरोफेंट। ओके, दो कार्ड शादी के आए गाइस, दो कार्ड और फैमिली के भी होते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो आप नो कॉन्टेक्ट जोन में इसलिए हो क्योंकि उनकी फैमिली को आप, वो आपके साथ बात करें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और आपके पार्टनर आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या फिर आप दोनों में से किसी एक की शादी हो गई हो सकती है या फिर दोनों की शादी हो गई हो सकती है। और आप में से कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हो गाइस। जो यहाँ एनर्जी आ रही है, मैंने आपको बताया कि दो कार्ड शादी के आए हैं और दो कार्ड फैमिली के आए हैं। इसका मतलब ये है कि आप दोनों की शादी हो गई है या फिर आप में से किसी एक की, और आपके पार्टनर अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड से दूर रह रहे हैं अभी सेपरेशन में। जो कोई भी यहाँ, जो कोई भी सिचुएशन हो आप अपनी तरह से देख लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा है आपके साथ और सोच समझकर आपके साथ बातें करता है और बहुत सारी बातें छुपाता भी है। आपको पता है ये बात। और वो आपके साथ खुश है, ये बात सच है। उनको, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, वो भी सच है गाइस। लेकिन उनकी लाइफ में जो उनकी उनकी वाइफ या फिर हस्बैंड के साथ जो एक सेपरेशन हुआ है, इस वजह से वो दुखी है। और वो ये बात से भी दुखी है कि वो आपको लेकर कुछ अभी सोच नहीं रहे। आपको ही समझना पड़ेगा कि आप नो कॉन्टेक्ट जोन में क्यों हो। मैंने आपको बता दिया कि आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है और वो भी शादीशुदा है, डिवोर्सी है या फिर उनकी फैमिली है। शादीशुदा हो तो उनके हस्बैंड वाइफ या फिर उनकी फैमिली
तो आपके पार्टनर के बच्चे भी हो सकते हैं गाइस, ओके, आप में से किसी एक के बच्चे भी हो सकते हैं, और अभी वो आपको लेकर कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे, इस वजह से आपको नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल दिया है, मतलब वो आपके साथ कोई भी बात करना नहीं चाहते हैं अभी, ओके। तो चलिए देखते हैं कि आप इस नो कॉन्टेक्ट जोन से कैसे बाहर आएंगे। आपको 1 मिनट गाइस, ओके। आप नो कॉन्टेक्ट जोन से कैसे बाहर आएंगे, पाइल 2 डिवाइन बताइए कैसे बाहर आएंगे। द फूल, वी आर द वर्ल्ड, फिर से फैमिली, अंडरस्टैंडिंग, ओके, फ्लावरिंग, और ये 2 कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस, ओके, और राइपनेस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है साइलेंस, कैसे चुप, कैसे बोलेंगे, चुप ही रहेंगे। आपके पार्टनर अभी साइलेंस मोड में है, कुछ भी नहीं बोल रहे, क्या बोलेंगे वो। वो अपनी शादीशुदा लाइफ से भी खुश नहीं है, वो आपको भी कुछ नहीं दे रहे है, इस वजह से वो, और आप में से, मैं आपको बता दूं कि आप में से 40% लोगों के पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के हैं, बहुत ही ज़्यादा, वो सभी लड़का लड़की के साथ फ्लर्ट करते हैं, इस तरह से वो आपके साथ भी फ्लर्ट कर रहे हैं, और आपको लेकर उनके दिल में ज़रा से भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है गाइस, आप खुद ही देख लो। और मुझे तो लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर तो मैच्योर भी नहीं है, शायद शादी तो कम उम्र, मतलब शादी तो 18 साल में भी हो जाती है और 21 में भी हो जाती है, 25 में भी हो जाती है, तो आपके पार्टनर मैच्योर भी मुझे नहीं लग रहे गाइस, ओके। और थर्ड पार्टी यहाँ है, अब हमारा सवाल है कि आपको इस नो कॉन्टेक्ट जोन से बाहर कैसे निकलना है। तो पहली बात, आपको पहले अपनी लाइफ में फ्रूटफुल बनना पड़ेगा, आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, और आपको आपके पार्टनर के बारे में नहीं सोचना है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, आप जब चाहो तब सोचो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपने ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप इस पोजिशन में आ जाओगे तो आपके पार्टनर आपके पास आने ही आना, उनको आना ही होगा। आपको अभी इस पोजीशन में आने की ज़रूरत है, फ्लावरिंग का कार्ड और राइपनेस का कार्ड बता रहा है, आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, तभी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। और आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ को समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है, किस रास्ते पर जाना है, वो आपको ही समझना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में इस तरह से फ्रीडम, आज़ादी को लेकर साथ में चलोगे और उड़ोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। आप अपने पैरों पर खड़े तो हो जाओ पहले, अभी आप उसके ऊपर जो डिपेंडेबल हो, इस वजह से आज आप मायूस की सिचुएशन में आ गए हो, आज आप मायूस हो, लेकिन आपको अपने आप में एक एम्प्रेस बनना पड़ेगा, सॉरी गाइस, दी एम्प्रेस बनना पड़ेगा आपको। दी एम्प्रेस ऐसे लेडी होती है जिनके पास सभी पावर होती है, और वो जो चाहे वो उनको मिल सकता है और जो चाहे वो पा सकती है। तो आपको इस पोजीशन में आना पड़ेगा, दी एम्प्रेस के पोजीशन में, तभी आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। अभी तो वो आपके साथ बात भी नहीं करना चाहते हैं, और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर तो थोड़े इगोस्टिक भी है, घमंडी है, एटीट्यूड वाले हैं,
और फ्लर्टी नेचर के भी हैं, तो आपको ही समझना पड़ेगा कि आपको इस नो कॉन्टेक्ट जोन से किस तरह से बाहर निकलना है। मैंने आपको वो यहाँ बता दिया, तो आपको क्या करना है वो अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल थे चूज़ किए तो देख लेते हैं कि आप नो कॉन्टेक्ट जोन में क्यों हों। एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, और द फूल, और बॉटम ऑफ द डेक फिर से क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। मैंने फिर से इसलिए कहा क्योंकि पाइल टू में भी बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सोर्ड ही था। आप यहाँ दो सिचुएशन है गाइस, दोनों सिचुएशन को मैं आपके साथ साझा करूँगी। पहली सिचुएशन ये है कि आप नो कॉन्टेक्ट जोन में इसलिए हो क्योंकि आपके पार्टनर फ्लर्टी नेचर के हैं, वो बहुत सारे लड़का लड़की के साथ बातें करते हैं और इस तरह से वो भी आपके साथ बात कर रहे हैं। आप उनके लिए एक स्पेशल पर्सन नहीं हो, ओके। और दूसरी सिचुएशन ये है कि उनकी लाइफ में, पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा उन्होंने लव लाइफ में धोखा देखा है। जिन्हें वो प्यार करते थे वो पार्टनर उनको छोड़कर चला गया, इस वजह से वो अभी लव लाइफ को लेकर इतने ज़्यादा इमोशंस नहीं रखना चाहते हैं और उनके मन में एक डर बैठ गया है, ओके। इस वजह से वो, इस डर की वजह से कुछ भी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार से दूर रहना चाहते हैं और प्यार से दूर रहते हैं। उनको इमोशन से कुछ भी मतलब नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, किंग को पेंटिकल कहता है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान। उनको इमोशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो आपके साथ एक खुश मिजाज तरीके से ही बात करते होंगे। तो आपको लगा कि वो आपको प्यार करने लगे। हाँ, नाइन ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि उनके दिल में आपको लेकर कुछ फीलिंग्स है, आप उनके लिए ख़ास हो। दोनों सिचुएशन के लिए बता रही हूँ, आप उनके लिए ख़ास हो, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग है, ज़रूर है, लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए वो नहीं है। इस वजह से उन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट जोन में डाला है और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशंस बातें करते होंगे, इस वजह से उन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल दिया। मतलब वो अभी आपको साथ मैसेज या फ़ोन के ज़रिए बात नहीं करते होंगे। नो कॉन्टेक्ट जोन का मतलब ये है, ओके। और मिलने की बात तो बहुत दूर रही, बात ही नहीं करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि नो कॉन्टेक्ट जोन से आप कैसे बाहर निकलोगे, आपको क्या करना चाहिए कि आप नो कॉन्टेक्ट जोन से बाहर आओ, आपके पार्टनर आपको नो कॉन्टेक्ट जोन से बाहर निकाले। आप किस तरह से नो कॉन्टेक्ट जोन से बाहर आओगे, पाइल थ्री डिवाइन बताइए। द आउटसाइडर, स्किज़ोफ्रेनिया, ओके, और एबंडेंस, दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं दोनों कार्ड। द मास्टर, ओके, और लेटिंग गो, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ट्रैवलिंग, ओके। तो आप में से कुछ लोगों का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है गाइस। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप नो कॉन्टेक्ट जोन से किस तरह से बाहर निकलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर को, यहाँ आप देख सकते हैं कि ताला खुला है, ये बच्ची बाहर जा सकती है लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं जा रहे। इसका मतलब ये होता है कि वो इतने ज़्यादा डर गए हैं पास्ट की सिचुएशन की वजह से, पास्ट की अपनी लव लाइफ को लेकर इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि उन्हें
एहसास भी नहीं है कि अब वो सिचुएशन नहीं रही है, वो वक्त चला गया है। वो उनका सिर्फ एक एक्सपीरियंस था पास्ट लाइफ को लेकर, लेकिन उनके मन से वो डर नहीं निकल रहा है, वो एक्सपीरियंस उनके मन से वो अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहा है गाइस। इस वजह से वो आपसे दूर हो रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया और एबंडेंस का कार्ड जो ये बता रहा है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मून है, यहाँ सन है। इसका मतलब ये है कि वो दो सिचुएशन में फंस चुके हैं। वो आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन वो आपको लेकर कोई डिसीजन लेना भी नहीं चाहते। मैंने आपको बताया कि वो थोड़े फ्लर्टी नेचर के हैं दूसरे सिचुएशन के बारे में, तो वो थोड़ा फ्लर्टी नेचर के हैं, तो वो आपको प्यार तो करने लगे हैं, लेकिन उनको अपनी आज़ादी चाहिए। तो उस आज़ादी के चलते वो आपके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, और उनको अपनी आज़ादी पसंद है। इस वजह से वो आपको लेकर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं, और फ्लर्टी नेचर उनको अच्छा लगता है, इस तरह से लड़का लड़कियों के साथ बातें करना, घूमना फिरना। तो वो अपने फ्रीडम को छोड़ना नहीं चाहते, इस वजह से वो आपसे दूर हो रहे हैं। और द मास्टर का कार्ड ये बता रहा है कि वो चाहे तो इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं गाइस। मास्टर का कार्ड ये बता रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इस नो कॉन्टैक्ट जोन से आप बाहर आ जाए। तो यहाँ लास्ट कार्ड हमारे पास लेटिंग गो आया है और अबंडेंस आया है। सारे कार्ड कॉम्बिनेशन से ये बता रहे हैं मुझे गाइस कि आपको उनको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, और उससे थोड़ा ज़्यादा बात नहीं करनी है आपको। आपका मन करे तब आप उनके साथ बात कर सकते हैं, लेकिन हर रोज़ आपको उनके साथ बात नहीं करनी है। आपको उनको ऐसा एहसास नहीं दिलाना है कि आप उनके लिए खास पर्सन हो, स्पेशल पर्सन हो। आप जितना भी उनको एहसास दिलाएंगे कि आप उनके लिए खास पर्सन हो, तो वो आपसे दूर हो जाएंगे और ज़्यादा दूर होते चले जाएंगे। अभी आपको उनको मैसेज नहीं करना है। आपका जब भी मन करे तब आप 2-3 दिन के बाद या फिर 5 या 10 दिन के बाद उनको मैसेज हाय हेलो कर सकते हो, लेकिन मैं तो बस आपको इतना ही करूँगी कि आपको थोड़ा अभी एफर्ट डालना बंद करना पड़ेगा, तभी वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। उनका डर दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो वक्त के साथ ही निकलेगा गाइस। उनको यूनिवर्स जो लेसन देगा उनसे वो सीखेंगे, और उनका डर धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। और ये फ्लर्टी नेचर उनका है दूसरे सिचुएशन वालों के लिए, तो वो आप उनसे दूर होंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि आप उनके लिए एक खास पर्सन हो। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको 5-10 दिन के बाद हाय हेलो करना है, फ्रेंड की तरह ही बातें करनी है। तब भी आपको प्यार वाली कोई भी ऐसी फीलिंग उनको नहीं देनी है, और स्पेशल फील नहीं कराना है कि वो आपसे दूर हो जाए और ज़्यादा दूर होते रहे। ओके, वो आपको कुछ पूछे कि आजकल तो तुम अभी मुझे मैसेज भी नहीं कर रही हो, क्या बात है? तो आपको अपनी फीलिंग के बारे में नहीं बताना है कि आप तो मेरी फीलिंग नहीं समझते, इस वजह से मैं अभी आपको मैसेज नहीं कर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको कहना है कि मैं अभी अपनी लाइफ में थोड़ी ज़्यादा बिजी हूँ, इस वजह से मैं आपको अभी फ़ोन या मैसेज नहीं कर पा रही हूँ, इस तरह से जवाब देना है आपको। क्योंकि ये दोनों सिचुएशन वालों के पार्टनर थोड़े इगोस्टिक और एटीट्यूड वाले हैं, घमंडी नेचर के हैं। इस वजह से ये घमंड उनका तब जाएगा जब आप उनको स्पेशल फील कराना बंद कर दोगे। ओके, और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक ट्रैवलिंग का कार्ड आया है। ये भी कार्ड यही बता रहा है कि आपको थोड़ा उनसे दूर हटने की ज़रूरत है, तभी उनको पता चलेगा कि आप उनके लिए स्पेशल पर्सन हो। और धीरे धीरे आपको उनसे दूर होना है, एकदम से दूर नहीं होना है। ओके, आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपको उनका इंतज़ार करना है। ओके, और आपको टेलीपैथी के ज़रिए भी उनके साथ बातें नहीं करनी है। हाँ, आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो, और आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो पॉजिटिव पल बिताए हैं वो पॉजिटिव पल याद करना है, लेकिन आपको अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव विचार भी नहीं लाना है। ओके,
तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।